हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, देखिएगा आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जल्द ही 70,000 पदों पर होगी भर्ती। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि केंद्र के विभागों में 70,000 पदों पर जो भर्ती है वो बहुत जल्दी होने वाली है। आइए पढ़ते हैं पूरी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले सप्ताह 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम के चलते SSC ने घोषणा की है कि वो 70,000 पदों पर जल्दी ही भर्ती करने जा रही है। ठीक है, ये पद जो होंगे किस विभाग में होंगे तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो पद हैं किस विभाग में होंगे इसकी पूरी जानकारी भी आपको SSC की वेबसाइट पर जो है मिलेगी, और ये जो है जल्द ही जारी कर दी जाएगी। आगे देखते हैं, इसमें केंद्र के विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों और मंत्रालय के लिए कर्मचारियों की भर्ती जो है वो SSC करता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, उसकी ओर से नियमित कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि CGL, कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL, सशस्त्र सेना पुलिस बल CFPF और सिलेक्शन पोस्ट के तहत भर्ती की जाती है। इन भर्तियों का साल भर का कार्यक्रम पहले से तय है। ठीक है, इसी बीच 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की जो घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, ठीक है, तो उसके बाद ही सभी भर्ती बोर्ड सक्रिय हो गए हैं। इस तरह 70,000 अतिरिक्त पदों पर भर्ती का लक्ष्य SSC को दिया गया है। ठीक है, तो अधिकारी ने बताया कि यह भर्ती रूटीन से अतिरिक्त होगी, यानी कि जैसा जो रेगुलर चलती हैं वो तो होती हैं, लेकिन उनसे अलग। ठीक है, एक्स्ट्रा 70,000 जो है अतिरिक्त पदों पर भर्ती SSC बहुत जल्दी करेगा। इसके बाद देखिएगा आप, CGL, CHSL, CAPF और सिलेक्शन पोस्ट के माध्यम से ही होगी ये जो 70,000 की भर्ती होनी है। ठीक है, अलग अलग विभागों के रिक्त पदों का विवरण जुटाया जा रहा है, एक दो महीने में विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है, यह होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिएगा आपके आने वाले 1 से 2 महीनों में जो SSC अपने एग्ज़ाम कराता है, ठीक है, जितने पदों पर भर्ती वो रेगुलर कराता है उनसे अलग 70,000 पदों पर भर्ती होनी है, और इसका जो है पूरा जो आपको डिटेल मिल जाएगी वो 1-2 महीने बाद जो है विज्ञापन जारी हो जाएगा, और आपको जो है पूरा डिटेल इसमें मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा मौका है उन अभ्यर्थियों के लिए जो अपनी लगातार तैयारी में बने हुए हैं, तो अपनी तैयारी को बनाए रखें और आने वाले जो भर्ती हैं, वैकेंसीज हैं, ठीक है, उनका जो है फ़ायदा उठाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, ये छोटी सी अपडेट आप तक पहुँचानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।